रात भर भिगो के सुबह बासी मुँह खाएँ, सुबह सुबह खाली पेट खाएँ, आपको मिलेगी दोगुना ताकत। और जैसे कि दोनों साथ मिलाकर खाएंगे, प्रोटीन डबल होगी, ताकत भी आपको डबल मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर किए हुए बताना शुरू करती हूँ इसके फ़ायदे के बारे में। सबसे पहले हमने चना और बादाम को इसको रात में भिगो के रख दिया था ओवरनाइट। देखिए अच्छे से भीग चुके हैं। अक्सर बादाम को भिगोकर खाया जाता है, अक्सर चने को भी भिगो के खाते हैं, लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ भिगो के खाना शुरू कर देंगे तो आपको इससे दुगना पोषक तत्व तो प्राप्त होगा, दुगना कैल्शियम प्राप्त होगा और दुगना आपको ताकत मिलेगी। तो चलिए बताती हूँ। बादाम एक सुपर फूड है जिसे सेहत को अनगिनत लाभ होते हैं। बादाम उन लोगों के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद है जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और वजन कम कर रहे हैं जैसे, तो उनको कमज़ोरी नहीं होगी। बादाम फाइबर और हेल्दी फैट जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, तो इसलिए इसे नाखून, त्वचा और स्किन, कैल्शियम हर चीज़ के लिए। इस तरह से इसमें काले चने में मैग्नीशियम, पोटेशियम, मिनरल्स का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। तो दोनों को अगर मिला के इसका सेवन करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलेगी, दिल की सेहत को बढ़ावा देगा। काला चना खाने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं जो कि ये फैट को भी कम करता है, सूजन को भी कम करता है। काले चने में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लंग्स कैंसर को भी कम करते हैं। तो बादाम और काले चने को भिगोकर इसे सब्जी के रूप में या सलाद के रूप में या सुबह इसे ही खा सकते हैं। इससे पावर डबल हो जाती है, जैसे कि दोनों एक साथ जब रात भर भीगते हैं तो दोनों का पानी इसका दोनों का एक साथ मिक्स होके तो भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो जाता है और मांसपेशियों के लिए ये अच्छी ताकत देने वाला रेसिपी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से इसमें दोगुना प्रोटीन हो जाता है, तो कैलोरी कम होती है। ये दोनों जब साथ में होते हैं तो फाइबर बहुत सारा हो जाता है इसमें। तो इस तरह से आप खाते हैं, तो जैसे हमने 5 बादाम लिया है, इसको हम छील लेंगे और छील के फिर इसको चने के साथ इसे सुबह सुबह बासी मुँह लेते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया, ये बहुत सारे गुणों से भरपूर हो जाता है। ये बादाम और काले चने खाने से आपको कैल्शियम की पूर्ति होगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, उम्र जो बढ़ती है तो उम्र भी आपकी कम लगेगी क्योंकि ये चेहरे को ग्लो करता है। और कैल्शियम से भरपूर बादाम और चने आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करेंगे। ये आपके डायबिटीज़ को भी अच्छा रखेगा क्योंकि चने में बहुत सारे तत्व होते हैं। ये हीमोग्लोबिन को भी कम मतलब अच्छा रखता है, उसमें सुधार लाता है भीगा हुआ चना। जैसे कि आप शाकाहारी हैं तो ये ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि नॉन वेज हम नहीं खाते हैं, तो इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं। जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो इसका जो पानी है हमने साफ पानी में भिगोया, रात में जब चना भिगोएं तो चने को अच्छे से धो के उसका पानी जो है साफ पानी डालें। आप जो भी पानी पीते हैं वो उस पानी में चने को भिगोएं, तो इस पानी को आपको फेंकना नहीं है। ये पानी क्योंकि बादाम और चने का भीगा हुआ पानी है तो बादाम और चने को आपको खा लेना है, और उसके बाद 2 मुट्ठी चने लेना है, 5 बादाम। तो अगर आपको सर्दी लगती है या बासी पानी नहीं है तो आप थोड़ा सा गुनगुना करके पी लीजिए और चना और बादाम को खा लीजिए। इससे आपको बहुत सारा फायदा दिखेगा। आप एक हफ्ते खा के फिर मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या क्या लाभ मिला। काला चना और बादाम शाकाहारी के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। ये हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार करने में मदद करता है। एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए सबसे बेहतर चीज़ है ये। बादाम और चना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि वज़न कम करना है तो चने खाते हैं, बादाम खाते हैं, जैसे कि वज़न कम कर रहे हैं, खाना छोड़ दिया है, तो इससे आपको सारे प्रोटीन पोषक तत्व तो आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए चना और बादाम को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसे आप ब्रेकफास्ट के रूप में प्रतिदिन सुबह लेते हैं तो आपको जो भी सारी
प्रोटीन फाइबर, इससे कब्ज की प्रॉब्लम भी होगी वो दूर हो जाएगी, पाइल्स की परेशानी हो जाती है, तो इससे आपका पेट साफ रहेगा। शुगर के जो मरीज होते हैं उनके लिए तो ये बेहद ही कारगर है, और इसका पानी जो है इसको पानी को फेंके नहीं, पानी को आपको ज़रूर पीना है, क्योंकि रात भर में सारे इसके जो पोषक तत्व होते हैं इस पानी में ही आ जाते हैं। तो पानी जब पीते हैं और चने को खाते हैं, साथ में बादाम भी खाते हैं, तो आपको इसका जो पूरा फायदा है वो आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप चना और बादाम को एक साथ खाकर आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं, आपका शरीर काफ़ी हेल्दी होगा। मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे, पतले लोग भी खाएंगे तो स्ट्रांग बनेंगे। ये किसी भी चीज़ के लिए इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। जो बचता है चना, जैसे आपने ज़्यादा भिगो दिया, इसे कॉटन के कपड़े में बांध के रख दीजिए, कल सुबह तक अंकुरित हो जाएगा तो वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो उस तरह से लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा, विटामिन डी मिलेगी। तो अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी या नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।